कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू एक नए दिन के आगाज़ के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। तो हाल बहुत ख़राब है अभी गर्मी के, गर्मी इंतहाई शदीद किस्म की गर्मी है। तो एक दो दिन पहले मौसम ठीक हुआ था, तकरीबन परसों को बादल वगैरह बने हुए थे, बारिश भी हुई थोड़ी, लेकिन उसके बाद जो गर्मी का हाल है ना वो इंतहाई ख़राब। इस वक्त फुल एक टाइम फुल हब्बस होती ना, उस तरह का मौसम बना हुआ है। तो इधर उधर बारिशें हो रही हैं, लेकिन हम गर्मी में वो कहते हैं क्या कहते हैं हमें गर्मी मार रही है। तो आज कुछ काम इस तरह था कि वो पहले कपड़े बनवाया था दर्दी से, तो कपड़ों की जो बैन वगैरह होती है ना वो दर्दी ने कर दी थोड़ी चौड़ी ज़्यादा लंबी, तो उसको ब्रेक करवाना था। ऊपर ईद भी आ गई है, परसों ईद है तकरीबन, तो आज भी चलता हूँ दर्दी के पास, तो देखते हैं क्या बनता है, बना के देता है या नहीं, देता है तो कब तक देगा। तो सारी चीज़ें उससे पूछते हैं। उसका मेरा क्लास वाला कोई दोस्त वगैरह आया हुआ है कराची से, उससे भी मिलना है, उससे भी मीटअप है, उससे भी मिलते हैं, काफ़ी अर्से बाद आया है। चलते हैं काम की जानब, दर्दी से मिलते हैं, फिर दोस्त को मिलते हैं, तो थोड़े वक्त से उससे मिलते हैं। अच्छा, पिछली मरतबा जब बारिश आई थी ना तब हालात ऐसे नहीं थे, तो तब तीन चार दिन तक मौसम काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी ठंडा रहा, लेकिन अब कोई ऐसा हाल हो रहा है एक दिन बारिश है तो दूसरे दिन गर्मी और फुल पड़ जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी ऐसा ही सूरत हाल है, फुल टाइम गर्मी, शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, तो देखते हैं कब तक बारिश आती है, वरना ये जो हाल है कुर्बानी करना मुश्किल हो जाएगा इतनी गर्मी में। काफ़ी काम करना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी, दुआ है कि अल्लाह खैर करे, गर्मी ठीक हो जाए, देखते हैं क्या बनता है फिर। और इसी गर्मी की वजह से तकरीबन मैंने दो दिन हो गए व्लॉग बनाया नहीं, गर्मी इतनी शदीद होती है कि घर से बाहर निकला ही नहीं जाता, तो मैंने सोचा कि गर्मी कम हो जाए फिर व्लॉग वगैरह बनाते हैं, लेकिन गर्मी का जो हाल है गर्मी कम ही नहीं होती। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में शुरू में बताया था, गया था दर्दी वगैरह के पास, तो कपड़ों की थोड़ी सेटिंग ख़राब थी, उसने सेटिंग ख़राब कर दी, तो अभी बनवाने गया तो उसने कहा अब ये कमीज नहीं बनेगी तो ऐसी पहननी पड़ेगी, फिर क्या, फिर मजबूरी आप पहननी पड़ेगी। तो फिर मैंने सोचा गया तो वैसे ही हूँ, तो थोड़ी कटिंग वगैरह करवानी थी, मतलब ये खत वगैरह बनवाना था तो वो बनवाया, फिर थोड़े दो बहुत और काम थे वो किए। गर्मी इतनी इंतहा की थी कि मेरी हालत बुरी हो गई। तो अभी थोड़ी देर पहले लौटा हूँ घर वापस, तो मैंने सोचा थोड़ी हवा वगैरह लगवाई जाए, बिजली तो होती नहीं, खैर यूपी सिस्टम है भी हमारा, तो पंखे वगैरह के नीचे मैंने कहा हवा वगैरह लगाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है बाहर, एक तो बस हवा बिल्कुल बंद ख़त्म है, तो सोचा हवा वगैरह थोड़ी लगाते हैं और लाग वगैरह पे कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अभी थोड़ी रेस्ट वगैरह करनी है मुझे, तो रेस्ट वगैरह करके थोड़ी देर मिलते हैं इंशाल्लाह, और पक्के मिलते हैं थोड़ी देर तक, थोड़े वक्त के बाद। हाँ जी, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी आज रेस्ट वगैरह की, तो रेस्ट वगैरह करने के बाद तो अभी उठाया मोबाइल, तो फिर कॉल आ गई सिस्टर की कि आज मुझे दूध दे जाओ, क्योंकि वो जॉब पे जाती है तो इधर आती हैं दूध ले जाते साथ, तो आज उधर जाना है, अभी वहीं पे निकल रहे थे, मैंने सोचा ब्लॉग वगैरह जारी रखते हैं जहाँ पे रुके थे। तो ये शरारती भी साथ है, हैदर शरारती, ये भी साथ, मन्ना ज़ारा, गुड़िया रानी मेरी बेटी। तो चलते हैं अभी, वो शाम का टाइम होने वाला है, शाम के बस 6:30-7:30 हो गए हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है शुक्र है, हवा वगैरह चल रही है, बादल वगैरह भी बने हुए हैं, और उस वक्त दिन के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा है, जैसे कल इस वक्त बस वगैरह काफ़ी थी, तो अभी हवा वगैरह ठंडी हवा चल रही है। चलते हैं काम की जानब, और एक रास्ते में एक दो और काम भी हैं वो भी करते हैं, तो व्लॉग भी जारी रखते हैं, चला गप शप करते जाएँगे। तो चलते हैं अपने रास्ते मंजिल की जानब। अभी मैंने वीडियो शुरू की तो मैंने इसको मन्नत को कहा गुड़िया रानी, जो हैदर को कहा शरारती बच्चा, तो अभी कह रहा है आपने मन्नत को गुड़िया रानी कहा और मुझे शरारती कहा, दिस इज नॉट फेयर। तो
काफी गुस्सा हो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम हो शरारती और शरारती वगैरह करते हो, और ये जो मन्ना था ये गुड़िया रानी है, वो ये इतना एक दूसरे से हसत करते हैं। हालांकि बहन भाई हैं, बहन भाई का प्यार काफ़ी ज़्यादा होता है, वो ये हसत करते हैं। अभी छोटी उम्र से हसत करना शुरू कर दिया है, ये हाल है दोनों का। जब मैं अभी रास्ते में था तो शिक्षा की कॉल है कि एक गोश्त लेके आना है यहाँ से, तो अभी दो तीन दुकानों से पता किया है, आज गोश्त ही शार्ट है, गोश्त ही नहीं मिल रहा। देखते हैं आगे जाके एक और दुकान है वहाँ से पता करते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता। मिल गया ठीक, ना मिला तो फिर मर्दी गुजारा करना पड़ेगा। बाकी मौसम देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम बना हुआ है, गर्मी काफ़ी कम है। देखते हैं मिलता है गोश्त या नहीं मिलता, ये कभी कभी हो जाता है, हमारे घर में हमेशा हो जाता है। पहले जी गोश्त भी मिल गया, तो अभी जल्दी से चलते अपने मंजिल की जाना, क्योंकि ऊपर शाम का टाइम हो गया, वापस भी जाना है, तो वापस आते हुए शायद अंधेरा हो जाए, तो इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। लेट्स सी, चलते अपने मंजिल की जाना। और आपको चेक करवाते हैं जी विलेज का व्यू, ये देखें जी रास्ता वगैरह बिल्कुल प्योर, और जो व्यूज हैं ऊपर से मौसम बड़ा ही जबरदस्त, हर चीज़ बेहतरीन लग रही है, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कम है सुबह की नस्बत। इंसान भी ना शुक्र है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो एक टाइम खुदा गर्मी देता है तो दूसरे टाइम मौसम ठीक भी कर देता है, लेकिन हम ना शुक्र हैं, हम ना शुक्र करते रहते हैं हर वक्त खुदा की। तो जिस काम के लिए आए थे अभी वो कर लिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा शाम हो गई है, वो मगरिब की अजान भी आ गई, तो मुझे अभी वापस जाना घर, तो जल्दी से चलते हैं घर, इससे पहले कि ज़्यादा रात हो जाए, देर हो जाए, तो घर जाके इंशाल्लाह बाकी गपशप होती है। क्यों हैदर चलें घर, और हैदर और मन्नत को आइसक्रीम भी। फैनली जी वापस आ गए घर, आते आते शाम ही हो गई, 8:30 का टाइम हो रहा है अभी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाले अपडेट आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, एक नए स्टोरी के साथ, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।